आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। इकोना तहसील के पास एनएच पर रात 10 बजे हुए इस भीषण हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ईंट से लदी हुई एक ट्रॉली कुछ देर पहले पंचर हो गई थी। वहीं पड़ोसी जनपद बलरामपुर के उतरौला हासिम पारा पेड़िया गांव निवासी 9 लोग टेम्पो में सवार होकर बहराइच की तरफ से आ रहे थे। सभी लोग बहराइच दरगाह से जियारत करके वापस लौट रहे थे। इकोना तहसील के पास अचानक सामने से आ रहे ट्रक की लाइट टेम्पो चालक की आंखों में पड़ी और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद टेम्पो वहां पर पड़े ईंट के ढेर पर चढ़कर दाहिने तरफ हाईवे पर सवारियों को लेकर पलट गया। एक एक करके सभी लोग हाईवे पर गिर पड़े और सामने से आ रहा ट्रक सबको रौंदता हुआ बहराइच की तरफ फरार हो गया। चार बहन है, दादी है, चाचा है। रास्ते में वो ईटा था और सामने से ट्रक आ रहा था, फिर वो चक्चुली। इस हादसे की जानकारी थाना इकोना और एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी शवों को और घायलों को लादकर इकोना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। सूचना पर एसडीएम आरोपी चौधरी व कप्तान अरविंद कुमार मौर्य भी पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उतरौला का एक परिवार है जो ये दरगाह शरीफ गए थे बहराइच में, वहाँ से आ रहे थे टेम्पो से और बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग ड्राइवर से जिनका उपचार कराया था। ये इसमें 2 महिलाएं घायल हैं, 1 ड्राइवर घायल है और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष। अग्रिम कार्रवाई की। इस दुर्घटना में मासूम दूध पीता बच्चा लाशों के ढेर पर जीवित पड़ा हुआ था, जिसे खरोंच तक नहीं लगी। श्रावस्ती से केपी सिंह, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।